नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको डेली मिल रहा है क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास, दोस्तों उसी को हम आगे रखते हुए क्लरिकल एप्टीट्यूड का दोस्तों ये मॉक प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। तो आप इसको सॉल्व करें, इसके आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, नीचे ए से जेड तक अक्षर दिए गए हैं, प्रत्येक बड़े अक्षर के नीचे एक छोटा अक्षर दिया गया है जिसको बड़े अक्षर के कूट के रूप में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अब हमको बड़ा अक्षर ये दिए हुए हैं, अब इसको ये ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इनमें से हमको बताना कौन से ऑप्शन में इसका कोड दिया हुआ है। तो चेक करते हैं दोस्तों, एम एम का कोड क्या है, एन दिया हुआ है। तो एन यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट लेटर किसी का एन है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में तो कोई एन है ही नहीं पहले पर। तो अब ई बी में देखते हैं, तो यहाँ पर देखें दोस्तों कहीं एन है, दोस्तों बी में भी नहीं है। तो सी की ओर चलते हैं, तो सी में दोस्तों देखें तो एन यहाँ तीसरे नंबर पर मिल गया है इसमें, ऑप्शन सी में। और दोस्तों डी वाले में देखें तो एन कहीं है, दोस्तों डी वाले में एन कहीं भी नहीं है। तो यानी कि फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, देखें क्यू क्यू का कोड क्या है, वी, तो एन के बाद वी इसमें दिया हुआ है। ओ का कोड दोस्तों देखें तो ई, तो ई भी इसमें दिया हुआ है। फिर एफ एफ का कोड देखें दोस्तों, एफ का कोड क्या दिया हुआ है, जे, तो जे भी यहाँ पर है। डी का कोड जेड, जेड भी दिया हुआ है। और जे का कोड क्या है, क्यू, तो क्यू भी दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हमसे इसका पूछा है कोड, ROI EYZ। तो आर का कोड दोस्तों देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, एस। आर का कोड क्या है, एस। एस इसमें कहीं है, ऑप्शन ए में दोस्तों नहीं है एस। फिर एस यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एस नहीं है इसमें भी नहीं है। पहला वाला लेटर होना चाहिए दोस्तों एस, ये नहीं कि बीच में कहीं भी मिल जाए तो एस उसको बताओ, ऐसा नहीं है। पहला लेटर जो होगा वही माना जाएगा, क्योंकि आर दोस्तों पहले ही तो दिया हुआ है, तो एस फिर यहाँ पर ही हो तो होगा इसका। तो अब इस वाले में देखते हैं सी में, तो सी में हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों डी वाले में देखें तो डी में भी नहीं है एस, तो अब हम इस सी वाले को दोस्तों चेक कर लेते हैं। फिर ओ का कोड क्या दिया हुआ है, ई, तो ई इसमें बिल्कुल सही है, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। फिर तीसरे पे क्या है, आई, तो आई का कोड दोस्तों क्या है, डी, तो यहाँ पर डी भी दिया हुआ है तीसरे पर। ई का कोड दोस्तों देखें क्या है, जी, तो जी भी दिया हुआ है। अब वाई का कोड देखते हैं, तो वाई का कोड क्या है, के भी दिया हुआ है। और जेड का कोड क्या है, तो दोस्तों जेड का कोड है यहाँ पर दोस्तों, जेड का कोड क्या हो जाएगा हमारा, एल दिया हुआ है यहाँ पर, यू। तो दोस्तों ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर एल होगा ये, तो एल बना लें। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन है, अब इसका कोड बताना है आपको, ई। ई का कोड क्या है, जी दिया हुआ है। तो जी देखते हैं पहले कहीं दिया हुआ है जी, ऑप्शन ए में तो नहीं है। ऑप्शन बी में देखते हैं दोस्तों, जी बिल्कुल मिल रहा है हमको। और देखें ऑप्शन सी में जी कहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी में दोस्तों जी है, बिल्कुल है। तो अब हमको इन दोनों में दोस्तों कंपेरिजन करना है। अब डब्ल्यू डब्ल्यू का कोड देखते हैं, तो क्या दिया हुआ, पी, तो जी के बाद पी इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब दोस्तों हम इसको आगे चेक करते हैं, तो के का कोड क्या दिया हुआ है, वाई। के का कोड क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो अब दोस्तों के का कोड वाई यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आर का कोड देखते हैं, तो आर का कोड क्या है, एस, तो एस भी सही है। V का कोड देखते हैं दोस्तों क्या है, A, तो A भी सही है। और U का कोड क्या है, M, तो ये भी एकदम ठीक है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर पहले कॉलम में नाम और पते का संयोजन दिया गया है, उसके सामने के कॉलम ए बी सी और डी में भी इस प्रकार के एक एक संयोजन दिए गए हैं, इनमें से आपको ठीक वैसा ही संयोजन छांटना है जो पहले से मेल खाता हो। तो दोस्तों यानी कि ये जो दिया हुआ है,
ये आपको इन ऑप्शन में देखना है, तो आप देखें और बताएं कौन सा इसका सही आंसर हो गया। हरीश धोनी 14827 बी कानपुर यूपी। दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं, हरीश धनी दिया हुआ है, तो दोस्तों धोनी की स्पेलिंग गलत है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं ऑप्शन बी में हरीश धोनी बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर देखें हरीश धोनी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर देखें हरीश धोनी बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों 148, तो 148158 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। 27B बिल्कुल सही है दोस्तों। अब कानपुर, कानपुर की स्पेलिंग देखते हैं, तो दोस्तों आर की जगह पर क्या दिया हुआ है, एफ, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों सेम वही क्वेश्चन, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको शालिनी गुप्ता 126 आनंद विहार न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों शालिनी की स्पेलिंग में डबल एन दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। शालिनी गुप्त दिया हुआ है दोस्तों, टी के बाद ए नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर शालिनी गुप्ता एकदम ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं शालिनी गुप्ता एकदम ठीक है 126 बिल्कुल सही है, यहाँ पर 136, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आनंद विहार नई दिल्ली बिल्कुल सही है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 13 मार्च, 11 जुलाई, 15 अक्टूबर, 3 जनवरी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं इसका क्या होगा आंसर, तो इसका सही आंसर है 11 जुलाई। दोस्तों जो हमने आपको ये डेज की जो वीडियो कराई थी दोस्तों, वो हम इस प्रैक्टिस सेट में उन एक एक दो दो डेज आपको डेली करा रहे हैं, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे चार अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें एक शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द पहचाने। सजेशन दोस्तों दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखते हैं गेस्चर, तो GESTUR दोस्तों आर इसमें है कहीं नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा दोस्तों, नहीं लिखा जा सकता, तो ऑप्शन ए ही नहीं लिखा जा सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको देखते हैं सजेस्ट को, SUGGEST बिल्कुल लिखा जा रहा है दोस्तों, यहाँ से ही यहाँ तक है ये, और GUESS ये भी ठीक है, NUGGET बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों सेम इसमें भी इनमें से एक शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता। अब दोस्तों इंटरनेशनल शब्द दिया हुआ है, अब इससे कौन सा नहीं लिखा जाएगा ये हम देखते हैं, अलोन ALONE बिल्कुल लिखा जा रहा है दोस्तों, नोट NOTE बिल्कुल लिखा जा रहा है दोस्तों, लेटर LATER बिल्कुल सही है दोस्तों, रेडियो RAD दोस्तों डी नहीं है इसमें कहीं भी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो ये नहीं लिखा जा सकता दोस्तों इंटरनेशनल से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 16 जून, 15 जनवरी, 17 सितंबर, 21 मई। दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 16 जून को, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, भोपाल, बिहार, यानी मध्य प्रदेश को दोस्तों भोपाल से रिलेटेड किया गया है, और बिहार को अब किससे रिलेट किया जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, तो बिहार की कैपिटल देखते हैं क्या, लखनऊ यूपी की है। सिवान दोस्तों बिहार में एक शहर है लेकिन ये कैपिटल नहीं है, इंदौर मध्य प्रदेश में एक शहर है दोस्तों, बिहार की क्या हो जाएगी, पटना, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं कम्प्लीट, आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी बताएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।